हरियाणा में सरकार और चुने गए सरपंचों के बीच ई टेंडरिंग को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इसके चलते करनाल में होने वाला मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का संयुक्त मंत्रणा कार्यक्रम अचानक रद्द करना पड़ा। यहां 14 जनवरी यानी आज करनाल के मंगलसेन ऑडिटोरियम में होने वाले इस कार्यक्रम में सरपंचों, पंचायत समिति और जिला परिषदों के साथ मंत्रणा की जानी थी। इसके लिए मुख्यमंत्री भी खास तौर पर मंत्रणा करने पहुंच रहे थे। हालांकि किरकिरी से बचने के लिए सरकार अब इस कार्यक्रम के रद्द होने को मकर संक्रांति के त्योहार से जोड़ रही है, जिसका एक पत्र भी सामने आया है। वहीं सवाल ये भी उठ रहे हैं कि इसके बारे में तो अधिकारियों को पहले ही पता था कि त्योहार है, फिर भी कार्यक्रम क्यों रखा गया। ऐसे में अब जानबूझकर त्योहार का बहाना बनाया जा रहा है। सरकार की तरफ से सरपंचों के मुख्यमंत्री को पत्र भेजने का दावा किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति का त्योहार है, सभी सरपंचों को अपने अपने गांवों में लोगों के साथ ये त्योहार मनाना है, इसलिए सभी सरपंच अनुरोध करते हैं कि 14 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम को रद्द किया जाए और किसी अन्य तारीख में ये कार्यक्रम किया जाए। मुख्यमंत्री को लिखे इस पत्र में करीब 25 सरपंचों के हस्ताक्षर है, जिन्होंने मकर संक्रांति का हवाला देकर इस कार्यक्रम को रद्द करने की मांग की है। आपको बता दें कि हरियाणा में 6000 सरपंच हैं। ऐसे में कार्यक्रम रद्द होने के पीछे त्योहार की वजह लोगों को हजम नहीं हो रही। वहीं स्थानीय नेताओं को भी इस बात का पहले से ही पता था, फिर भी कार्यक्रम रद्द होने के पीछे ई टेंडरिंग को लेकर सरपंचों के विवाद को ही वजह माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्य खबर। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।